क्या कर सकते हैं? बताइए बताइए, क्या आप डांस कर सकते हैं? हाँ कि ना? क्या आप गा सकते हैं? क्या आप स्विमिंग करना जानते हैं? क्या जवाब है आपका? अच्छा चलिए, इनका जवाब नहीं है तो ये बताइए, इन सब सवालों में क्या कॉमन है, मतलब इनमें क्या सेम है? सोचिए, इन सब सवालों में मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, ये है कॉमन चीज। चलिए अब इन्हीं तीनों सवालों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। कैन यू डांस, कैन यू सिंग, कैन यू स्विम? अब बताइए इनमें क्या कॉमन है? अब तो बहुत सिंपल है, इन सब में कैन कॉमन है। तो हम कैन को कब यूज करते हैं? हम कैन को तब यूज करते हैं जब हम क्षमता की बात करते हैं। क्षमता क्या होता है? क्षमता होता है अबिलिटी, मतलब कुछ करने की चाहत और कुछ करने की कैपेबिलिटी, कि आप कोई चीज कर सकते हैं कि नहीं। तो जब आपको बताना हो आसान शब्दों में कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो कैन का मतलब है कि आप ये कर सकते हैं, और अगर आप कैन को क्वेश्चन में पूछेंगे तो आप कहेंगे आप क्या कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैन को हम कैसे और कहाँ यूज़ करें, और इतना ही नहीं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि हम खुद को कैसे यूज़ करते हैं, तो ये लेसन आपके लिए परफेक्ट लेसन है, क्योंकि इस लेसन में हम देख रहे हैं कि हम कैसे कैन को और खुद को यूज़ करेंगे। मेरा नाम है मिशेल और मैं हूँ आपकी टीचर आज के लेसन के लिए। तो चलिए अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस लेसन को कैन के साथ। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैन को हम अबिलिटी यानी क्षमता बताने के लिए यूज़ करते हैं कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, मतलब कि बताऊँ कि आप कैन को किस सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, आई कैन मेक ज्वेलरी, मैं ज्वेलरी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन का मतलब है कि आप कुछ बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? ज्वेलरी, ज्वेलरी यानी गहने। अगला, आई कांट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे कैन नहीं कांट बोला है, तो इसका मतलब आप बता रहे हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब आप में क्या नहीं करने की क्षमता है। अब अगला देखते हैं, कैन यू ओपन दिस जार, क्या तुम ये जार खोल सकते हो? जी हाँ, मैंने यूज़ किया खोल सकते हो, मतलब फिर से मैं कुछ क्षमता की बात कर रही हूँ। मैं टैंगो नाच कर सकता हूँ, I can dance tango। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम टैंगो डांस या टैंगो नाच कर सकते हैं। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे, वे गा नहीं सकती। सोचिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, सोचिए सोचिए, इसकी इंग्लिश होगी she can't sing, मतलब she cannot sing, वो गा नहीं सकती। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश? ध्यान दीजिए, ये एक क्वेश्चन है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैन वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश? इस लेसन के बाद तो आप ज़रूर बोल पाएंगे। चलिए अब कैन के और यूजेस देखते हैं। कैन को हम परमिशन मांगने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर हमें कहीं कमरे से बाहर जाना हो
और हमें किसी से पूछना हो कि हम जा सकते हैं कि नहीं, तो हम कैन को यूज करेंगे. कैन आई गो आउट ऑफ द रूम, क्या मैं कमरे से बाहर जा सकता हूँ. कैन आई यूज योर बाथरूम, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ. आइए और क्वेश्चंस देखते हैं. कैन आई लीव नाउ, क्या अब मैं निकल सकता हूँ. लीव का मतलब होता है किसी जगह से बाहर जाना, तो निकलने को हम लीव बोलते हैं. अगला सवाल है, कैन आई रेज द वॉल्यूम, क्या मैं आवाज बढ़ा सकता हूँ. आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस हैं. जी हाँ, ये सारे सवाल हैं. क्या आप ये सोच रहे हैं कि हम सवाल ही क्यों बता रहे हैं, तो याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि हम कैन को परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कैन को जब हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं तो वह एक सवाल बनता है. मतलब हम पूछ रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं. जैसे आप कहीं बैठे हैं और आपके साथ आकर कोई बैठना चाहता है, या आप कहीं जाकर बैठना चाहते हैं, तो आप कहेंगे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. कैन आई सिट हियर. आप ये भी कह सकते हैं क्या अब हम जा सकते हैं. कैन वी लीव नाउ. लीव का मतलब है यहाँ पर बाहर जाना, और पिछले क्वेश्चन में लीव का मतलब था निकलना. अगला सवाल होगा, क्या मैं म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ. कैन आई प्ले सम म्यूजिक. इस सवाल को आप तब पूछेंगे जब आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे शायद म्यूजिक प्ले करना अलाउड नहीं है, तो आप बोलेंगे कैन आई प्ले सम म्यूजिक. चलिए अब हम देखते हैं कि कैन को और कैसे यूज कर सकते हैं. हमने देखा कि हम कैन को परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं. हम कैन को रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. जी हाँ, मतलब कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. रिक्वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं निवेदन. निवेदन मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ छोटा सा काम कर पाएंगे कि नहीं. जैसे कि आप खाना खा रहे हैं और आपके हाथ खराब हो गए, गंदे हो गए हैं, आपको नैपकिन चाहिए, तो आप कहेंगे कैन आई हैव अ नैपकिन, क्या मुझे एक नैपकिन मिल सकता है. यहाँ कैन का मतलब है मिल सकता है कि नहीं. जी हाँ, क्योंकि हम यहाँ कैन को रिक्वेस्ट की तरह यूज कर रहे हैं. आइए अगला सवाल पूछते हैं. आप किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, आपका खाना खत्म हो गया, तो आप कहेंगे कैन आई हैव द बिल, क्या मुझे बिल मिल सकता है. चलिए अगला होगा, यू कैन टेक दिस स्पॉट इफ यू लाइक. मतलब तुम यहाँ बैठ सकते हो अगर तुम चाहो. तो यहाँ पर आप किसी को कोई चीज़ करने की परमिशन दे रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हाँ, तुम यहाँ बैठ सकते हो. ऐसा ही अगला है, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. तुम जो करना चाहो कर सकते हो. तो यहाँ पे भी आप किसी को परमिशन दे रहे हैं ये करने की जो वो करना चाहते हैं. अगला है, क्या हम और कॉफी पी सकते हैं. कैन वी हैव मोर कॉफी. तो यहाँ पर हमने कैन को कैसे यूज किया. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं. यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक सवाल है और कैन सवाल की शुरुआत में आता है. तो अब हमने देखा है कि हम कैन को कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर पाएंगे. पर जैसे मैंने आपको लेसन की शुरुआत में बताया था कि इस लेसन में हम जानेंगे कि हम कुड को भी कैसे यूज़ करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ कुड के बारे में ये है कि कुड कैन ही है. जी हाँ, पर कैन होता है प्रेजेंट और कैन का पास्ट होता है कुड. कैन को हम यूज़ करते हैं आज की कोई काबिलियत बताने के लिए कि आप आज क्या कर सकते हैं, पर खुद को हम यूज़ करते हैं
पास्ट की, मतलब बीते हुए कल की काबिलियत बताने के लिए कि आप पहले क्या कर सकते थे। तो जब आप छोटे थे आप क्या कर सकते थे? मैं जब छोटी थी तब मैं स्विम कर सकती थी, तो मैं कहूँगी When I was young, I could swim. जब मैं छोटी थी मैं स्विम कर सकती थी। स्विम मतलब तैरना। You could see the boat sinking. तुम बोट को डूबते हुए देख सकते थे। तो ये चीज़ आज नहीं हुई है, ये पहले की चीज़ है। तो कोई बोट को डूबते हुए पहले देख सकता था। वो बता सकते थे कि वह नर्वस है। They could tell he was nervous. तो जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे was यूज़ किया could के साथ, तो मतलब हम पहले की कोई बात कर रहे हैं, जो चीज़ हम पहले देख सकते थे या पहले कर सकते थे। जब मैं छोटा था मैं 10 किलोमीटर भाग सकता था। I could run 10 kilometers when I was younger. क्या ये आपके लिए भी सच है? तो आप इस सेंटेंस को यूज कीजिए। हम अपने होटल रूम से समुंदर देख सकते थे। We could see the ocean from our hotel room. तो यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हम पास्ट में अपने होटल रूम से समुंदर देख सकते थे। मैं देख सकता था कि डैनी कुछ गुस्सा था। I could see that Danny was angry. तो इस सेंटेंस में भी हमने could और was को साथ में यूज किया पास्ट की बात बताने के लिए। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम could को यूज करते हैं पास्ट की क्षमता यानी पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि could और किस काम आता है। तो आप could यूज कर सकते हैं जब आप पोलाइटली एक परमिशन मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Could I take this jacket with me? क्या मैं ये जैकेट मेरे साथ लेकर जा सकता हूँ? अगर आप इसी सवाल में can लगाएंगे तो आप बहुत रूड साउंड करेंगे। तो अगर आपको प्यार से अपनी बात कहनी है तो आप could बोलेंगे। अगला देखते हैं। You could borrow my umbrella. तुम मेरा अम्ब्रेला ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने परमिशन मांगी नहीं पर परमिशन दी है। तो could को आप परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ बताइए, could I get more water? क्या मुझे और पानी मिल सकता है? परमिशन दे रहे हैं या ले रहे हैं? क्योंकि ये सवाल है तो आप परमिशन ले रहे हैं। क्या मुझे एक और कॉफ़ी मिल सकती है? सोचिए इसका इंग्लिश में क्या होगा, सोचिए। Could I have one more coffee? इस सेंटेंस को आप यूज़ करेंगे जब आप किसी रेस्टोरेंट में हो और आपका और कॉफ़ी पीने का मन कर रहा हो। तुम यहाँ बैठ सकते हो अगर तुम चाहो। You could sit here if you like. If you like का मतलब होता है अगर तुम चाहो। अगला सवाल है, could you repeat that again? क्या तुम उसे फिर रिपीट कर सकते हो? शायद आपने वीडियो देखते हुए कितनी बारी सोचा हो कि मिशेल प्लीज दोबारा रिपीट कर दो, तुम बहुत जल्दी बोल रही हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अब इंग्लिश में सोचिए और बोलिए could you please repeat that again? चलिए अब could का एक और यूज देखते हैं। Could use होता है संभावना बताने के लिए, मतलब possibility बताने के लिए कि कोई चीज़ हो सकती है कि नहीं। अब अगर सोचिए एक वैन है और उसमें 6 लोगों ने जाना है, आपको लगता है कि उसमें सब जा सकते हैं, तो आप कहेंगे वो सारे गाड़ी में जा सकते हैं। All of them could ride in the van. मतलब ये हो सकता है। You could always stay at our house. तुम हमारे घर में रुक सकते हो।
यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं. Could it be true? क्या ये सच हो सकता है? जी हाँ, ये सच हो सकता है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं. और इस लेसन में आपने डेफिनेटली सीख लिया कि आप could और can को कैसे यूज करोगे. तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आपको कैन या कुड यूज करना हो, आप दो बारी नहीं सोचेंगे और आप जानेंगे कि आपको कहाँ पे किसको यूज करना है. एक रिमाइंडर मैं आपको देती हूँ कि अगर आपको पोलाइट और स्वीट साउंड करना है तो आप कुड बोलेंगे. अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप कैन बोलेंगे परमिशन मांगने के लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन विद मी. आई होप आप फिर वापस आएंगे और लेसन्स देखने के लिए, ताकि आप कुछ नया सीख पाएं मेरे साथ. और मेरा नाम है मिशेल. सी यू वेरी सून. बाय बाय.